नमस्कार, स्वागत है आपका गीता की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए लेमन योगर्ट केक लेके आई हूँ। तो आइए किचन में चल के शुरुआत करते हैं। मैंने लिया है एक टिन कंडेंस्ड मिल्क का, 150 ml जैसा दही है, एक कप छोटा कप ले सकते हैं दही का। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में ये मैदा है, ऑल पर्पज फ्लावर, इसमें मैंने बेकिंग सोडा और सोडा बाइकाप डाल दिया है। और ये बटर है, और ये साथ में लेमन लिया है। हम लोग इसकी जस्ट निकाल के डालेंगे। छोटा कप ले सकते हैं दही का। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क, दही और बटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें येलो कलर डालेंगे, येलो फूड कलर डालना है, जस्ट अ पिंच टू गिव द नाइस येलो कलर। और साथ ही साथ इसमें लेमन एसेंस एक छोटा चम्मच लेमन एसेंस का जाएगा। और ये लेमन जेस्ट लेना है हमने। लेमन का येलो पार्ट लीजिएगा, क्योंकि व्हाइट पार्ट बिटर होता है। अगर व्हाइट पार्ट इसमें चला गया तो सारा केक का स्वाद खत्म हो जाएगा। इसमें लेमन जेस्ट सारी इसमें मिक्स कर दी है। अब हम लोग इसमें मैदा मिक्स करेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करके हम लोग केक टिन में डालेंगे। ओवन हमने पहले से ही हीट करने के लिए छोड़ दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसको बेक करने के लिए अपने मोल्ड्स में डालेंगे। तो ये मैंने दो छोटे मोल्ड लिए हैं, दोनों को मैंने बटर के साथ लाइन कर लिया है। तब हम इसमें ये अपना बैटर मिक्स किया हुआ वो डालेंगे। हमारा ये बैटर रेडी है। अब हम लोग इसको ओवन में रखेंगे। बेक करेंगे 190 पे। 25 मिनट हो चुके हैं, तो आइए चेक करते हैं कि केक रेडी हो गया। देख सकते हैं हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया। तो अभी हम इसको ठंडा करने के लिए रैक्स पे निकालेंगे। जरा सा सेटल हो जाए तो हम लोग इसको। तो देखा आपने हमारे केक कितना सुंदर सा अच्छे से सॉफ्ट एकदम स्पंजी बन के रेडी हो गया है। तो हम लोग इसको ठंडा करने के लिए ऐसे रैक पे छोड़ेंगे। होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।